यार अब ना 30 दिनों से भी कम बचा तुम्हारे जेईमेन अप्रैल अटेम्प्ट को, और ये ना लास्ट चांस है अपने आपको प्रूफ करने को। इसके बाद सीधा जेईमेन अगले साल आएगा, और अगर तुम ड्रॉपर हो तो भैया फिर वो भी नहीं आएगा। तो अब लास्ट चांस है अपने आपको प्रूफ करने का, अच्छा परफॉर्म करके दिखाने का जेईमेन में। और अगर अभी भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, कैसे मैं एटलीस्ट 120, 140, 150, 160 तक ले आऊं, तो मैं आज तुम्हारे को बताने वाला हूं केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी। पता है तुमको, मेरे कोचिंग के टाइम पे मेरे टीचर ने कभी नहीं बोला, अगर बोला होता तो शायद मैं बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता, कि जितना टाइम तुम फिजिक्स और मैथ्स को देते हो ना, अगर उसका 70% टाइम भी तुम केमिस्ट्री में दोगे ना, तो तुम लगभग 80 नंबर स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुम पढ़ने के बाद ना, अगर तुमने पढ़ लिया तो तुमको एक एश्योरेंस रहेगा कि मैं पेपर में क्वेश्चंस बना करके आऊंगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर तुमने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कर लिए तो गारंटी नहीं होती। देखो कॉन्सेप्ट हो समझ आ जाते लेकिन क्वेश्चन नहीं आ जाता है। और मैथ्स के द्वारा क्या ही बात करूं, मैथ्स का तुम लेवल देख ही रहे हो, 21, 22, 23 देख लो, लेवल बढ़ता ही चले जा रहा है। तो अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, स्ट्रगल कर रहे हो 120 से 180 के बीच कहीं पर भी स्कोर करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए की जो वो है सब्जेक्ट है वो होने वाला है केमिस्ट्री। अब मैंने यार अपनी केमिस्ट्री में 99.67% मेरा केमिस्ट्री में आया था जेईई मेंस में। अब मैंने कैसे लाया था, कैसे तुमको केमिस्ट्री में एकदम, अगर तुम अभी वीक हो ना केमिस्ट्री, तुमको फोकस करना है बस 80 पार करो केमिस्ट्री, और अगर तुम 40-40 भी या 40-20 भी मैनेज कर लेते हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अदर दो सब्जेक्ट से। तो आज मैं डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री 80+ की स्ट्रेटेजी। ध्यान से सुनना, तुमको चैप्टर भी बताऊंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, चाहो तो 1.5x में देख सकते हो, तुम्हारा टाइम बच रहा होगा। और अगर मैंने कोई रिसोर्सेज की लिंक दी तो वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने रेडी कर लिए, उसका मैंने पीडीएफ बना लिया, वो मैं दे दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली वो है, वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे मैं बहुत ज्यादा तुमको हेल्प करने की कोशिश करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ना यार केमिस्ट्री में देख लो, मैं तुमको सिंपल से बात बता रहा हूँ, तीनों पार्ट को तुमको इक्वली वो करना है। ऐसा नहीं कि भैया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में अलग अलग वो कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हाँ, तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नहीं करना है, क्या करना है सब बताऊंगा। कई लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लग रही होती है, तो सिंपली मेरे ध्यान से बातें सुनते जाना और तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसको पहले करना जरूरी है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ करके जाओगे ना तो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हो, सबसे पहले तुमको जीओसी करना है। अब भैया जीओसी करना है तो बहुत बड़ा है भैया मेरे, अगर मैं बोलूं कि 30 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, है ना, मान लो तो 10 क्वेश्चंस तुम्हारे ऑर्गेनिक के रहते हैं ना, तो 3-4 तो जीओसी पे बेस्ड। जीओसी तो करना ही, अब जीओसी में करना क्या, सिर्फ इफेक्ट्स कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और स्ट्रेंथ का कंपेरिजन देख लो। एसिड बेस का स्ट्रेंथ कंपेरिजन हो गया, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेरिजन हो गया, या एरोमेटिसिटी हो गया, बस इतना सा करना है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया ऐसे ऐसे इसमें इसको करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद तुमको करना है बेसिक नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। एक लेक्चर है जो मेरे को बहुत पसंद आया, जिसमें सारे रूल्स उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिए, सारे बेसिक बेसिक नोमेनक्लेचर तुम लगा लोगे। और आइसोमेरिज्म में तुम वो कर लो, जीआई कर लो, ओआई कर लो, बहुत डीप लेवल पे मत जाओ ओआई जीआई में, बेसिक बेसिक कर लो ताकि इजी वाला क्वेश्चन आए तो तुम वहां से निपटा दो। पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन दोनों के बहुत ही प्यारे से नोट्स मैंने खुद बना लिए, वो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, उससे तुम पढ़ लेना, उससे एक भी बार पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकंड चीज, प्योरिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो एनसीईआरटी के 2-3 पन्ने यार पढ़ लेना कि प्योरीफाई कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और मेरे 2 पेज के नोट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, उसको कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से भी। अगले चलते ऑल नेम रिएक्शन। अब देखो भाई, उतना टाइम नहीं बचा है कि तुम बैठ करके पूरा अलग से पढ़ो कि भैया हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, फिनॉल पढ़ रहे हैं, ईथर पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, उतना टाइम नहीं है। तो क्या करो, अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो सिंपली क्या करो, सारे नेम रिएक्शन को एक जगह पर लिख लो। अगर खुद से एनसीईआरटी से लिखते चलोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा। वैसे यार तुमको पता है यार, इंटरनेट में अवेलेबल है, कहीं पर भी सर्च कर लो, सारे नेम रिएक्शन एनसीईआरटी के एक जगह पर लिखे हुए, या कई लोगों ने रिवाइज करा रखे हैं, वो तुमको वहां पर मिल जाएंगे। उसको करके चले जाओ, लिख लिख के चले जाओ, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब मैं क्या बताऊं यार, ये जो तुम्हारा वाला रिएक्शन है ना, अमीन्स का कार्बेलामाइन रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मतलब कि आते हैं, तो नेम रिएक्शन करके चले जाओ। अब एक चीज तुमको करना है, तुमको सारे रिएजेंट्स करके चले जाने। भैया हमने तो क्या किया, हमने पूरी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दी, हमने तो सारे नेम रिएक्शंस कर लिए, जीओसी कर लिया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया, अब इससे बाहर तो इतना बड़ा और डीप ऑर्गेनिक है, उतना तो टाइम नहीं बचे। तुम एक काम करो, तुम रिएजेंट्स कर लो। अब मैं क्या करने वाला हूं, तुमको डिस्क्रिप्शन में ना ये दे दूंगा रिसोर्स, रिएजेंट का कहां से करना है। तुम जितने भी रिएजेंट्स है ना, उसको एक चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो, बस ये देख लो कि जब इसके साथ ये चीज को डालते हैं तो क्या बनता है।
समझ रहे हो ना, ये रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहलिक QH डालेंगे तो क्या होगा, कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो क्या बनता है, मतलब ये सारे रिएजेंट्स तुम याद रख लो। इससे क्या होगा ना, जब भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे पेपर में, तो तुम जब उसको देखोगे जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है उसके ऊपर इस चीज के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो तुमको अंदाजा रहेगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, समझ रहे हो। तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में तुम्हारे से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मेजोरिटी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाते हैं। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मेरी भी ऑर्गेनिक की वीक थी तीनों में से, बट मैंने ऑर्गेनिक का काम चलाया था, 10 में से 5-6 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही निकाले थे। अब आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, पता नहीं लोग क्यों इसको टफ बोलते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शनल भी लिख दिया है, क्यों इसको टफ बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर तुमको लगेगा कि भैया हमको आपके बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नहीं मिल रहा इंटरनेट में, तो मैं कमेंट करना, मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करके वहां पर पिन कर दूंगा लिंक। बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, बहुत आराम से 2 घंटे मैंने पढ़ा रखा है, मुफ्त का नंबर है। तो पॉलीमर्स भी नहीं है, केमिस्ट्री एवरी लाइफ भी नहीं है, तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, तो इतना बस कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरे ख्याल से 30 दिन बचे ना, अगर तुम डट के पढ़ते हो ना तो आराम से कर लोगे इतना पूरे चीज को, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता ज्यादा बोल रहा हूं यार, 5 दिन में कर लोगे। तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। चलो आ जाते हैं यार फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पर्सनल फेवरेट है केमिस्ट्री में, वैसे तो अब ऑर्गेनिक भी हो गया है, बट ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है। अब यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस तो सब जगह से आने वाले हैं, लेकिन मैं तुमको बोलूंगा इन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे प्लस आसान पड़ता है, समझ लो, बहुत आसान पड़ता है, फॉर्मुला अप्लाई करते हो आंसर आता है, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भैया देख लो, पूरा थर्मोडायनेमिक्स नहीं करना है कि भैया पूरा लंबा थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी का यूट्यूब में देख लिए कि ये लेक्चर 1 से लेकर 10 तक है। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए करने बोला क्योंकि फिजिक्स में भी काम आ जाता है, तो तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स मैंने भी पढ़ा रखा है यूट्यूब में, सफलता बैच तुम सर्च करोगे तो मैंने पूरा, वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, तुम चाहो तो मेरे 4 घंटे का वन शॉट है थर्मोडायनेमिक्स, तो देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या करना है, W यानी कि सारे वर्क कर लेना, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक है ना, अब जितने भी साइक्लिक प्रोसेस के वर्क देना, सब प्रोसेस वर्क डन हो गया। डेल्टा U का सिंपल सा 2-3 फॉर्मूला है, डेल्टा H का फॉर्मूला 1 और दोनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है, फिर डेल्टा S के सारे प्रोसेस के लिए फॉर्मूला, डेल्टा G के 3 फॉर्मूला है, बस वो देख करके चले जाओ। मैं नहीं बोल रहा थर्मोडायनेमिक्स में तुम मास्टरी करके जाओ, तुम बस बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग कर लो, तुम्हारा 3-4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से आसान क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स पूरा मत करो, बेसिक समझ लो रिएक्शन क्या होता है, रेट कैसे लिखते हैं, वो करते ही तुम आ जाओ 0 ऑर्डर पे, 0 ऑर्डर के सारे 3-4 जो फॉर्मुलेज होते हैं वो समझ लो, समझ के पढ़ना याद करना, और फर्स्ट ऑर्डर के कर लो, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अरिनियस इक्वेशन कर लो, दैट्स इट, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ भी मत करना केमिकल काइनेटिक्स में, समय नहीं है। उसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन पे, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि भैया सिर्फ फॉर्मूले लगाओ, राउल्ट्स लॉ आता है, हेनरी लॉ आता है, और जो तुम्हारे 4 वो है, फ्रीजिंग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया है ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बस वो 4 फॉर्मूले पे सिर्फ रखना होता है। तो तुम इसके अगर ना 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हो, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे वैल्यू को पुटअप करते हैं। लास्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा नहीं करना है, बेसिक समझ लेना कि क्या होता है सेल वेल, कैसे लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, हर चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है बॉस। नस्ट इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं भाई, बर्बाद चैप्टर है, चीजें दी होती है आपको, बस रखना होता है फॉर्मुला में। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अगेन 2 लॉ है, उसकी फॉर्मुला में रखने, और कंडक्टेंस के सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आना ही फॉर्मुला बेस्ड है। तो ये जो 5 चैप्टर है ना, इसको मैंने 3-4 घंटे में सबको करा रखा है, तुम चाहो तो डेली 1 चैप्टर भी कर लोगे फिजिकल का, तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 चैप्टर में से नहीं नहीं करते, 7 क्वेश्चन तो आएगा, 7 से 8, ठीक है, 1-2 बाहर से आएगा, तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, रेडॉक्स से भी आ सकते हैं, बट इसको कर लोगे बेटर होगा। चलो भैया आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बहुत रेड्यूस हो चुकी है, अब तुम अगर ऑर्गेनिक में उतना करते हो, फिजिकल में उतना करते हो, तो इनऑर्गेनिक पूरा रट्टू बेस्ड है, ठीक है। अब हाँ, समझ के रटने वाला उतना अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम बचा है, लेकिन अगर यहाँ टाइम है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्वेस्ट करो। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी नहीं मिल रहा तो लिंक मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लगता बड़ा है, लेकिन एक बार तुम समझना चालू करोगे तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्वेस्ट करो रेदर देन पहले केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत लंबा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करो। सेकंड पीरियोडिक टेबल, अब यार पीरियोडिक टेबल ना बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो यार पीरियोडिक टेबल पूरा मत कर, तो क्या कर, पीरियोडिक टेबल को एक जगह पहले प्रिंट आउट करा ले, समझ पूरे, मतलब पूरे एलिमेंट्स को समझो क्या है, ट्रेंड्स सारे कर लो, है ना, मतलब कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, साइज वाइज ऊपर जाने से नीचे आने से जितने भी उसके एक्सेप्शन है वो एक जगह पर लिख लिए, और ट्रिक्स कर लो, क्योंकि ये मैंने देखा रिसेंटली बहुत आ रहा है कि बताओ कि 94 नंबर के एलिमेंट का इसका मतलब वो कितने, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ में कितने होंगे, मतलब
कोई भी रैंडम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तो उसकी यूट्यूब पे ट्रिक्स होती है, वो करके चलेगा पक्का ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा। लास्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग, मैं बोलूंगा ब्लॉक केमिस्ट्री छोड़ दो, टाइम नहीं है, पी ब्लॉक करने का, एस वैसे ही हट गया और तुमको डी एंड एफ में भी कंफ्यूज हो गया अगर पीरियोडिक टेबल में पकड़ नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग करो, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या करो, तीन मेन चीज कर लो अगर पूरी नहीं कर सकते हो, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे तुम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सारा निकाल लो, डीएम कर लो, डाइपल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेस्पर थ्योरी कर लो जहां पर सारे स्ट्रक्चर शेप्स वगैरह तुम बता सको, इतना कर लो केमिस्ट्री में। अब तुमको लग रहा होगा इतनी बड़ी वीडियो इतना सब बोल दिया आप कैसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने तीन चैप्टर बताए, फिजिकल के पांच चैप्टर बताए, और ऑर्गेनिक का तो मैंने मेन ऑर्गेनिक छोड़ के तुमको जीओसी और नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स करने बोला है। इन्वेस्ट करो अपने 30 दिन में से, अगर तुम यहां पर मैं बोलता हूं 17-18 दिन का टाइम सिर्फ केमिस्ट्री देते हो तो 80 नंबर से ऊपर ले जाओगे, और बाकी का टाइम तुम ऐसा कुछ एडजस्ट करो कि तुम 50 नंबर के 50-60 भी ले आओ ना तो तुम एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले लोगे। मेरी बात को मानो, ये भी मैंने बहुत दिन बाद रियलाइज किया था, केमिस्ट्री पर अच्छे से इन्वेस्ट किया था और मेरा यार रिजल्ट आया था 99.67% इन केमिस्ट्री। तुम्हारा भी आ सकता है, मेरे को बताना कोई दिक्कत होगी तो, और किस टाइप से वीडियो चाहिए, कोई भी रिसोर्स या नोट्स या लेक्चर्स को लेकर के नहीं मिल रहा हो कंफ्यूजन तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, नोट्स डाल देता हूँ जितने भी मैंने बताया, और सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।